हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं 3 न्यू क्रिमिनल लॉज की। और जैसे कि आप अगर आप PCSJ की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोई भी और लॉ रिलेटेड स्टूडेंट हैं, और 3 न्यू जो लॉज हैं, जो न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, ये जो 3 आपके लॉज हैं, अगर आप इसकी ओल्ड और न्यू में कंपेरिजन करें, एक गाइड टाइप बुक चाहते हैं, तो मार्केट में बुक अवेलेबल है रेडी रेकनर ऑन 3 न्यू क्रिमिनल लॉज। सामर्थ अग्रवाल सर द्वारा बुक ये लिखी गई है, फॉर्मर जज हैं, एंड श्रेया भाटो जैसे कि मेंशन है वो भी फॉर्मर जज हैं। और इस बुक की कंटेंट की भी हम लोग बात करेंगे, और बुक में क्या आपकी खासियत, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ न्यू लॉज एंड ओल्ड लॉज, चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन वेरियस प्रोविजंस, लिस्ट ऑफ न्यू एंड ओमिटेड प्रोविजंस, सिस्टमैटिकली अरेंज्ड इन सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज फॉर्मेट। अगर और इसी के साथ आप इसकी MCQ बुक भी है, इसमें आपको जितने भी MCQ क्वेश्चंस 3 न्यू क्रिमिनल लॉज के बन सकते हैं जो प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि अभी इसका कोई भी कंटेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो सर द्वारा ये बुक जो है आपके पूरी इसमें मेंशन है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं आपके 3 न्यू लॉज के। क्योंकि अब आप जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, इसका कंटेंट आपको इजीली अवेलेबल नहीं, इसे बेरेक्स मार्केट में अवेलेबल है, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। कोई भी आप, मैंने जैसे बताया, एग्जाम दे रहे हैं अगर GA का या फिर HGS का देंगे या फिर कोई भी एग्जाम दे, तो आपके लिए बुक यूजफुल है। अब बात करते हैं इस बुक के कंटेंट क्या क्या है, तो आप वीडियो को कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे 3 न्यू क्रिमिनल लॉज की, रेडी रखने ऑन 3 क्रिमिनल लॉज की मैंने पहले वीडियो बनाई है, उसका कंटेंट आप उसमें देख सकते हैं, इसमें मैं वीडियो में बताऊंगा। और ये MCQ ऑन 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपके सारे पेपर्स ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, और क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं, इस बुक से आपको आराम से एक आइडिया लग जाएगा। बहुत ही प्रॉपर आपकी बुक है, इसलिए क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है। अब ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसका प्रिलिमिनरी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज, पावर ऑफ कोर्ट्स, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस एंड ए टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस अरेस्ट ऑफ पर्सन, सारी चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस इसमें बने हुए हैं। हम लोग कंटेंट्स की बात कर लें, फिर आगे किस तरीके से क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसके आपका क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप आराम से देख लीजिएगा। भारतीय न्याय संहिता का कंटेंट भी हो, अभी आपके 2-4 पेजेस में बता दें, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ था BNS रिसीव प्रेसिडेंशियल असेंट ऑन, तो आपके ऑप्शन थी, आपके आंसर भी दिया हुआ है, जस्ट नीचे आपको आंसर मिल जाएगा। ये पावर ऑफ कोर्ट्स सेक्शन 21-29 उसके कंटेंट दिए हुए हैं आपके, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन उसका क्वेश्चन है आपके, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि 3 न्यू क्रिमिनल लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या चेंजेस हैं इस बुक से आपको आइडिया लग जाएगा, क्या सेक्शंस चेंज हुए हैं, क्या सेक्शंस हट गए हैं, ये साक्ष्य अधिनियम एविडेंस के क्वेश्चन हैं आपके, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसका आपका क्वेश्चन है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन उसका क्वेश्चन है, ये आपका MCQ वाली बुक का है। और यही इसी तरीके आपका पूरा थ्योरी, सेम चैप्टर्स के आपके सारे थ्योरी दिए हुए हैं, चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड आराम से आपके जो नोट्स, आप एक तरीके से समझ लीजिए पूरी बुक आपकी नोट्स है, आप जो बना रहे हैं रफ में, पूरा आपका चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन 50 ऑफ BNSS 2023 उसका कंटेंट दिया हुआ है आपका, पूरा डायग्रामेटिक जहाँ जहाँ यूजफुल है वो भी इसमें इंट्रोड्यूस, समझ मैंने आपको ऐसे बताया, पूरे एक नोट्स है आपके, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी उसका कंटेंट दिया हुआ है, एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और नागरिक सुरक्षा संहिता दोनों में क्या क्या कैसे चेंजेस हुए हैं वो आपके मेंशन है, कंपैरिजन के भी है आपके, भारतीय न्याय संहिता उसका कंटेंट दिया हुआ है, रेलिवेंसी ऑफ प्रेस, ये कंपैरिजन ऑफ द प्रोविजन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसका कंटेंट दिया हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं आपके। 512 पेजेस की आपकी बुक है, बाकी इनकी क्वेश्चन आंसर सीरीज भी आती है हर एक की, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। और लॉस रिलेटेड और भी किसी बुक की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो जरूर बताइए, मैं उसी वीडियो बना दूंगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।